तस्वीरें आप भाजपा कार्यालय की देख रहे हैं, ये तस्वीरें आप उसी कार्यालय की देख रहे हैं जहां पर डेली वेजर्स के साथ बड़े बड़े वादे किए गए थे कि टीडीसी की इलेक्शन होने दो, डेली वेजर्स का काम जो है वो हो जाएगा। लेकिन हालांकि यहां पर तो जो चुनावी आगाज था वो कब से हो गया, लेकिन इसी दफ्तर में अभी भी सब ऑफिस मौजूद है, इनके लीडर मौजूद है, लेकिन वो यहाँ पर आएंगे नहीं और इनका हाल नहीं पूछेंगे। इन्होंने कहा कि कितने दिन से हम जो स्ट्राइकों पर है ये हम तक नहीं पहुँचते, हम इन तक पहुँच जाते हैं। सर आप बताइए, आजादी का अमृत महोत्सव मानते हैं आप कि आपने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया है? हमें कोई आजादी नहीं मिली, हम लोग आज भी गुलाम हैं। अंग्रेजों ने इनका गुलाम बनाया था, आज बीजेपी वालों ने हमको गुलाम बना दिया। हमारे बच्चों को स्कूलों से बाहर निकाला जा रहा, हमारी नौबत यहाँ क्यों पहुंची? ये नलायक, ये अरविंद रैना नलायक, बीजेपी सरकार नलायक, 25 के 25 से मेले गधे गधे बोध, मैं उनको गधा बोलूंगा। इन्होंने हमारे साथ धोखा किया, हम लोग नहीं चाहते थे कि हम रोड़ों पे आए। ये देखिए 50-50 प्लस उम्र हो गई है, 45 साल का मैं हो चुका हूँ, कहाँ गए इनके पहुंची? इन्होंने हमारे साथ वादा किया था कि आप हर डिपार्टमेंट जो है वो रोड़ों पर नहीं आएगा 15 अगस्त के बाद, हम 15 अगस्त अगर आपको पॉलिसी देंगे। कहाँ गई पॉलिसी मारी, कहाँ गए आपके वादे? ये सोए हुए हैं, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। मैं भी आपसे कुछ पूछूंगी, 15 अगस्त को आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, डेली वेजर्स तब भी जो है वो स्ट्राइक पर है, डेली वेजर्स अपनी डिमांड जो है वो उनकी पूरी नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में किस तरह से आजादी का अमृत महोत्सव जो है वो बनता है? देखिए अगर हाथ में पैसा होगा तभी तो अमृत महोत्सव मनाया जाएगा, आजादी मनाई जाएगी। जब हमारे पास पैसा नहीं है तो हम आजादी क्या बनाएंगे? कौन सी आजादी है? आजादी नहीं है, बर्बादी है, बर्बादी, बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने हमारा। 26 सालों से ये बर्बादी, बिल्कुल बर्बादी। 2014 में इन्होंने हमको कहा था, वो कहाँ गया डॉक्टर निर्मल सिंह? उस समय के उसके घर में ईडी क्यों नहीं भेज रहे? एक प्रोफेसर आज कोरोना की प्राप्ति लेके बैठा हुआ, उसके घर क्यों नहीं जाती? इनका मुद्दा यह होता है, जो चोर है उसका बुकल में ले लो, जो शरीफ है उसको जमीन में गाड़ दो, ये इनका काम है। तो आप एक चीज बता दीजिए, डेली वेजर्स क्या इसी तरह से सड़कों पर आता रहेगा, बस डिमांड ही करता रहेगा हक के लिए काम? देखिए हम आपके माध्यम से स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं इनको कि हम लोग चाहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, हमें कोई लीडरी का शौक नहीं है। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, अगर ये लोग हमारी कर पॉलिसी लाते हैं तमाम डेली वेजर रोडों पे नहीं आएगा। देखो किसी को दर्द होता है तभी वो इंसान रोडों पे आता है। लेकिन यहाँ पर जो सरकार है, हालांकि मौजूदा सरकार तो है नहीं, जो केंद्र सरकार भी है वो भी रोटी कपड़ा और मकान के बारे में बात नहीं करती, वो तो स्मार्ट सिटी के बारे में बात। स्मार्ट सिटी को क्या करना मैडम? मैंने पहले बोला मेरे पीते में चावल नहीं है, आटा नहीं है, और मैंने क्या करना? स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी इसलिए बन रहा है कि जो इनके विधायक हैं उनको कमीशन मिलनी है। डेली वेजर से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। मगर आपके माध्यम से हम कहते हैं अरविंदर जी, अगर आपको पैसे का बैग चाहिए, तमाम डेली वेजर पीछे देखो जो बैठा हुआ, ये आपको 1-1 हजार रुपया इकट्ठे करके डोनेशन देगा और आप हमारा काम करिए। अगर आप हमारा काम नहीं करोगे तो आने वाले दिनों में, ये सिर्फ जम्मू का है, बाहर डिस्ट्रिक्ट वाले अभी नहीं आए, ये सिर्फ हमने छोटा सा एक ट्रायल, इनको ट्रायल दिखाया है कि अभी बाहर वाले बैठे हुए हैं, जिस दिन बाहर वाले आ गए इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। चलिए बाकियों से भी बात। सर क्या नाम है आप? मेरा नाम रतन लाल। रतन लाल जी क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहते हैं पहले तो जो सरकारें थी उन्हें हमारे साथ धोखे किए, तो ये जब सारे जम्मू वाले बीजेपी वाले इनको टिकट मिली, इन्हें हमारे घर घर जाके बोला भाई हमारी सरकार आएगी, हाँ हमारी सरकार आएगी, आपको सभी को पक्का करेंगे, आपको कोई रोटी का कोई वो नहीं आएगी रिकावट, कोई बच्चों को स्कूल पढ़ने की रिकावट कोई नहीं आएगी। मगर ये उनसे भी ज्यादा नलायक निकले, इन्होंने बिल्कुल हमारी बात नहीं सुनी। मगर हम मीडियम से इनको इनको कहना चाहते हैं, अगर पंजाब वाला साहब कराना इन्होंने, अगर हमारी मांगे नहीं पूरी करते, हमारी बात नहीं सुनते, मैं रविंदर रैना से कहना चाहता हूं आपको केजरीवाल का झाड़ू अंदर से बाहर फेंक देगा। ये आप मीडिया के साथ कह रहे हैं, अगर इन्होंने हमारी आज बात नहीं सुनी, हमारी मांग पूरी नहीं की, मगर जो पंजाब में हुआ ना वो आज जम्मू भी केजरीवाल का झाड़ू भी झाड़ू हो जाएगा। अरे तुसी केजरीवाल के झाड़ू की गल कर रहे हो, कहते केजरीवाल ने टक्कर च नहीं समझ, केजरीवाल टक्कर इन्हें कर नहीं होनी समझ नहीं गया।
अगर ये 60,000 डेली भेज रहा है, 60,000 6-6, 7-7 बोर्ड ने एक एक बंदे दे, एक भी बोर्ड नहीं चाड़ूगा बगैरा कुछ जाना। केजरीवाल तो सुन आप दी सरकार बनानी सारे ऊपर भरोसा करी करी तो थकी है। हाँ थकी है इनके ऊपर ज्यादा हा, मगर केजरीवाल जिथे जिथे ज्यादा उथे उथे काम करी जा रहा, मगर अभी हूं केजरीवाल सरकार अगर ही सारा के डेली भेजने का इन्हें काम नहीं किया तो सरकार जम्मू में 100% केजरीवाल की आएगी, इनका एक बच्चा नहीं बजेगा, एक बच्चा नहीं बजेगा इनका। सर इन्हें तो आखी उड़े इन्हें केजरीवाल की सरकार बनानी, तो उसको सरकार असे ओदी सरकार बनी जेड़ा काम करेगा साडा, हां जेड़ा काम करेगा, अगर केजरीवाल काम करेगा क्योंकि इन्हें सार तां लगाए ने पंजाब च उन्हें रेगुलर करी उड़े ने मुड़े, क्योंकि उन्हें 35,000 आंदे के मुड़ा बाकी उन्हें रेगुलर कीते ना, असे के लेना बीजेपी कोला के असे के लेना केजरीवाल कोला, असे चाहिदा अपना काम जेड़ा साडा काम करेगा अस उसी वोट देंगे, क्योंकि आड़ा फ्यूचर साडे बच्चे दा फ्यूचर ओदे उन्ने साडा अगर सवार गए ते असे उसी सवारना है, और उसने बच्चे का फ्यूचर नहीं सवारे हो सरकारी तो की करना, उसी सरकारी करना उसी लत मारनी और बीजेपी दे देना आई देना कुड़े, क्योंकि नहीं मी एक गल तो सुनाई उड़ा ए तो है कोल नहीं पुजिया तो सिंह दे कोल पुजी ता भी बाहर नहीं आए, इंदी औकात गनी बाहर आने दी, क्योंकि 2014 को ला लगातार 2014 को ला लगातार वादे और वादे कर रहे साढ़े कन्ने, वादे करने के बाद भी इन्हें कोई वादा निभाया नहीं है और कुछ नहीं किया इन्हें, इधर वास्ते ताइया से इन्हें आया इन्हें 15 अगस्त तक रहने को टाइम मंगे था, टाइम दिते था 15 अगस्त खत्म हुई है, हूं अस भी स्टार्ट हुई है, हूं इन्हें खत्म करना से लतड़िया निकलिया ना उपरे सर क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर, जिस तरह से आपको बता दें कि आप जहाँ पर भी देखें वहाँ पर आपको जो है वो डेली वेजर से दिखाई, जम्मू की लीडरशिप और जम्मू कश्मीर की लीडरशिप नहीं पूछी तो उसकी आंखना चाहते, हम इनके पास इसलिए पहुँचे हैं, कर दिया मैंने, हम इनके पास इसलिए पहुँचे की 2 साल के बाद रिकॉर्ड मीडिया के मदद उन्होंने बोला था की अगर आपकी पॉलिसी 2 साल तक नहीं आएगी हम आपके साथ दरियों के ऊपर बैठकर विंदर राणा जी ने, और रिकॉर्ड बोला आज भी हमारे पास वो क्लिप पड़ी है, लेकिन इनको इतना नहीं पता की जो अपनी गाल भूली आंदे तो हमारे अपनी गाल करो की इन्हें बाहर नहीं आए, देखो अगर जब बाहर आने चाहिए फेस टू फेस बात होगी, अगर सच्चे लोग हैं तो बाहर, अगर झूठे होंगे तो नहीं आएंगे, हम इनसे सिर्फ एक ही सवाल है जो इन लोगों ने जो SRO 520 बनाया था क्या इनको वोट याद नहीं है, क्या इन लोगों को इतना पता नहीं कि जो इंसानियत के जो उन्होंने मैनोफेस्टो पे DD सिलेक्शन के दौरान 12वें लाइन पे लाया था कि हम कैजुअल लेबर को सबसे पहले जैसे DD सिलेक्शन होंगे रेगुलराइज किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया, इसी के लिए हम जो बोलना चाहते हैं इनको और इनको जो चेतावनी देना चाहते कि आने वाले दिनों में कश्मीर की लीडरशिप और जम्मू की लीडरशिप एक प्लेटफॉर्म पे आने वाली हफ्ते के अंदर अंदर उसकी मीटिंग जहां हम कश्मीर में जा रहे हैं या जे आ रहे हैं जम्मू में, और उसके बाद बड़ा बड़ा आंदोलन होगा, और एक मैं आपसे कहना चाहता हूँ 8,000 लोगों की लड़ाई है, सभी ने एक अम्ब्रेला के नीचे आना चाहिए इस टाइम से। सर इतिहासिक कदू दी आखे असि भी आखे मीडियम के माध्यम तू की 8,000 डेली वेजर इकट्ठा ही आना चाहिए, 8,000 बड़ी तादाद है, जे आल डिपार्टमेंट में जो है जो 10 डिपार्टमेंट है इनके जितने भी कश्मीर की लीडरशिप है वो सभी एक ही मंच पे आने वाली है, आपके सामने बहुत जल्दी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, डेली वेजेस पे भी बहुत से सवाल उठते हैं कि इनके भी लीडर अलग अलग होते हैं, ये भी कभी जो है यूनाइट होकर नहीं, देखिए कोई सभी लोग यूनाइट, आपके सामने आल डिपार्टमेंट है यूनाइट है, आपको ऐसे लगता होगा कि जो अलग अलग हो गए उनको अलग क्यों हुए, वो हम नहीं जानते उन लोगों को, हम नहीं जानते उन लोगों को अलग अलग कौन है, सभी एक अम्ब्रेला के लीजिए आपके सामने 8,000 डेली वेजर, अगर ये नहीं सुनेंगे फिर 8,000 को आना पड़ेगा, वो कब दिन आएगा जब 8,000 डेली वेजर आएगा, इसी मंथ में 8,000 लोग आपके सामने आएंगे, आपके सामने कश्मीर की जम्मू की लीडरशिप, आपके माध्यम से हम इनको चेतावनी देना चाहते हैं जी सरकार को, तो ये तस्वीरें मैं दिखा दूं जहां पर जहां से भी देखो आप, आपको डेली वेजर जो है वो यहीं पर मिलेंगे, और डेली वेजर्स की जहां तक बात करते हैं तो जितने भी सर क्या कहना चाहेंगे आप, 8,000 डेली वेजर्स कब दिखेंगे एक साथ, सभी डेली वेजर इकट्ठे कौन बोलता है, एग्रीकल्चर हमारे साथ है, फ्लोरिकल्चर हॉर्टिकल्चर PWD स्टेट डिपार्टमेंट सभी डिपार्टमेंट तो इकट्ठे कौन बोलता है, अलग है डेली वेजर, चंद पंत आदमी है जो नहीं है, तो आपने खुद देखना चाहिए भाई उन्होंने हमारे साथ इकट्ठे होना है जो हमने उनके साथ इकट्ठे होना है, 10 डिपार्टमेंट तो हमारे साथ है,
बाकी रही बात हमारी एक दो दिन में श्रीनगर में हमारी बात चल रही है, श्रीनगर में हमारी थोड़े दिन में मीटिंग हो जाएगी, श्रीनगर भी वही सेम डे पे स्ट्राइक चलेगी, यहाँ भी सेम डे पे स्ट्राइक, सेम डे की स्ट्राइक चलेगी, क्योंकि श्रीनगर वाला डेली वेजर भी वही 9000 ले रहा है, हम भी 9000 ले रहे हैं, उन्होंने भी परमानेंट होना है, हमने भी परमानेंट होना है, मांग एक है, लेकिन ये अलग अलग बैठने की कोई जरूरत नहीं है, ऑल डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर यूनाइटेड फंड यहाँ पे बैठा है, अगर किसी ने बैठना हमारे साथ बैठे, हम किसी के साथ जाके नहीं बैठेंगे। तो ये तस्वीरें हम जो है आपको दिखा, सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, यहाँ पे अभी हमने देखा शमशेर सिंह मनहास एक्स एमपी जो है वो अंदर गए हैं, अभी उनके घर में अभी पानी बंद है, उनके मोहल्ले में पानी बंद है, उनको नहीं पता कि डेली बेजर यहाँ पे बैठा हुआ है, उनका क्या हाल चल रहा है, ये आपको भी पता होना चाहिए, सभी को पता है 72 घंटे की जो काम छोड़ हड़ताल चल रही है, ये काम छोड़ हड़ताल सारे मतलब जम्मू पूरे में 4 डिवीजन जो है वहाँ पे ठप है काम सारा, पानी भी बंद है, हर जगह बंद है, लेकिन इनको अभी तक पता नहीं क्या चक्कर है, अंदर एसी में बैठे हुए बाहर नहीं आ रहे हैं हमारे साथ बात करने के लिए, ये चाहते पता नहीं क्या चीज है। सर आप बताइए ये सरकारें क्या चाहती है? सरकार पहले वाली तो उड़ा दी हम लोगों ने, डेली वेजरों ने खत्म किया, एनसी को खत्म किया, पीडीपी को खत्म किया और कांग्रेस को खत्म किया, अब आ रही है इन लोगों की, इन लोगों ने सोचना इलेक्शन आने वाली है, इलेक्शन पे इन लोगों ने सोचना क्या करना है, अगर तो ये हमारा काम कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद जहां पे इनकी रैली होगी वहां पे सीधे सामने हमारी रैली होगी, अभी नेक्स्ट प्रोग्राम हमारे बनने जा रहे हैं 2 तारीख से पहले पहले जो भी प्रोग्राम होंगे, हम हो सकता है हम श्रीनगर से आपको प्रोग्राम दें, उसमें पता चल जाएगा सब कुछ। ये तस्वीरें दिखा दो, ये डेली वेजर वो है जिसको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, जिसे रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, और रोटी कपड़ा और मकान जिस तरह से बात करते हैं ये बेसिक नीड्स है, और ये बेसिक नीड्स के लिए ये आज से कई साल पहले जो है वो दर बदर जो है वो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो कोई भी इनकी बात को जो है वो सुनने नहीं आ रहा है, और यहाँ पर बता दें कि आज ये बीजेपी कार्यालय के बाहर है और आज ये यहीं पर जो है वो इकट्ठा हुए है, और साथ ही साथ जिस तरह से बता दें आपको कि महिलाएं भी जो है आपको रोज जो है ये महिलाएं भी जो है वो आपको दिखती हैं, और इसी तरह से एक प्रोटेस्ट जो है वो वहां सामने भी हो रहा है। थोड़ा सा जूम करके मैं चाहूंगी आपको दिखा दे कि एमजी नरागे का जो इम्प्लॉयज है, देखिए जहां पर टेंट लगा है उसके नीचे भी जो है इम्प्लॉयज है, और ये एमजी नरेगा के इम्प्लॉयज है जो काफी दिनों से वो भी जो है अपनी 3 बेसिक डिमांड्स को लेकर जो है बैठे हुए हैं, और ये जो है ये डेली वेजर्स है जितने भी डिपार्टमेंट्स के, तो यहाँ पर ये इकट्ठा हुआ है, एक लंबी लाइन जो है वो बीजेपी ऑफिस के बाहर जो है वो देखने को मिल रही है, और जहां तक हम बात करते हैं यहाँ की तो ये तस्वीरें जो है ये आपने बहुत बार देखी हैं, और ये जम्मू की तस्वीरें हैं, हालांकि लीडर्स जो है वो तो नहीं गए, लेकिन ये जो है वो लीडर्स के पास जो है वो जरूर पहुंच गए हैं। आप बोलो, आप बोलो, वो शॉर्ट्स ये तस्वीरें जो हैं ये ऑल डिपार्टमेंट के जितने भी कैजुअल लेबर हैं ये उनकी तस्वीरें हैं, और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस की गाड़ियों को भी जो है वो मंगवा लिया गया है, क्योंकि रोड जो है वो काफी देर से बंद है, लेकिन अब देखते हैं। क्या कहना चाहेंगे दफ्तर से बाहर आज रोड का सफर कैसा है? आज हम दफ्तर के बाहर बैठे हैं कि आज हम रैना जी से मिलके ही जाएंगे, लेकिन वो तो अब पता नहीं आए हैं या छुपके बैठे हैं अंदर, ये तो हमें कोई पता नहीं है, इनको तो हमारे साथ बात करनी ही पड़ेगी आज। कोई बात नहीं, उनको ज्यादा गर्मी लगती है, हमें नहीं लगती, हम गरीब जनता है, हमें कोई गर्मी नहीं लगती, जब पेट भूखा है तो गर्मी क्यों लगेगी, धूप में पूरे पूरे दिन काम करते हैं, गर्मी क्यों लगेगी, हम एसी में रहने वाले नहीं है, हमारी इतनी कमाई नहीं है कि हम एसी लगा के बैठेंगे, हम मंदिरों वाले शहर के लोग हैं, गर्मी में भी बैठ सकते हैं, इनको ये आए हैं नौशहरे से कोई और जोरी से, इनको ज्यादा गर्मी लगती है, तो ये उधर ही जाएं वापस। मैम लेकिन काफी वक्त हो चुका है आप सब लोगों को, कई लोग बूढ़े हो गए, कई लोग ऐसे ही रिटायर हो गए, दुनिया से भी चले गए, इस सरकार को क्या कहेंगे जो सरकार आपको वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल की? ये सरकार इतनी नकम्मी है कि हमारा गरीब लोगों का शोषण कर रही है, गरीब लोगों का शोषण कर रही है, लेकिन इनका भी कुछ नहीं बनेगा, अभी इनके 25 MLA है ना, हम यही बोलते हैं 25 MLA को मुर्दाबाद, 25 MLA मुर्दाबाद, 25 MLA मुर्दाबाद, हम यही बोलते हैं, दविंदर रैना को हमारा कुछ करना पड़ेगा, अगर नहीं करते हैं तो कुछ
कुर्सी छोड़े, एलजीबी कुर्सी छोड़े कि हम गरीब जनता भूखी मर रही है जनता। हमारे बच्चे घरों में बैठे हैं, किसी की फीस नहीं है, कुछ नहीं है, घर में राशन नहीं है। हम इनसे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे, हम इनसे रेगुलर पारसी मांग रहे हैं कि हमारी रेगुलर पारसी हमें दे दो। जिनको आप रेगुलर करते हो, बाकी वालों को मिनियन वेजेस एक्ट लागू कर दो कि हमारे घर का कम से कम थोड़ा तो सर्कल सही हो जाए। हम यही कहना दविंदर रैना से आए हैं, आज हमारे साथ इनको बात करनी ही पड़ेगी, जो मर्जी हो जाए। जो भी अगर कोई भी आपके हक के बारे में बात करने जाता है, ये तो कहते हैं ये सब पाप की घंटी है, ये हमारे लगाए हुए ही नहीं है, तो कहाँ से हम इनका काम करें, हमने लगाया ही नहीं है। नहीं, ये तो बोलते हैं कि हमने नहीं लगाए, चलो हमें पीडीपी ने लगाया, कांग्रेस ने लगाया, लगाया तो है ना किसी ने, लेकिन हमारा कुछ तो कुछ करना चाहिए। अगर नहीं इनसे कुछ होता तो सीधे सभी को जवाब दे दे के घर में बैठो जाते, हमने पूरी जवानी इधर दे दी है। मैं आपको बताना चाहूंगी कितने बूढ़े बूढ़े व्यक्ति भी जो है वो यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ से चलते हैं, यहाँ पर बहुत बूढ़े बूढ़े व्यक्ति भी जो है वो यहाँ पर जो है वो बैठे हुए हैं। तो यहाँ से मैं आपको ये जो विजुअल्स बता रही हूँ कि आज वाकई में अपने अपने दफ्तरों से निकलकर जो है वो यहाँ तक पहुँच चुके हैं, और दफ्तरों की बात करते हैं यहाँ तक जो ये पहुँचे हैं, और इसके साथ साथ हाँ जी अच्छा दसो उन आजादी मनाई 215 अगस्त आजादी मनाई है क्योंकि मोदी सर ने झंडे जो बेचे हैं, हमारी सभ्यता को बेच दिया इन्होंने, इन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था, ये हमारे हिंदुस्तान की शान है। और जो इसके पीछे सारे कितने कुर्बान हो गए, हमारे शहीद हो गए, इनको झंडे नहीं बेचने चाहिए थे, लेकिन मोदी सर ने झंडे भी बेचे और हमारी पब्लिक के लिए कुछ नहीं किया। डेली वेजर हम खज्जल हो गए, सड़कों पे बैठे हैं। चलो एक छोटा ये सवाल, आपने दफ्तर तो आज इतने बैठी हो जमीन ऊपर, क्या आखना चाहिए, सड़क ऊपर बैठी हो तो सड़क के ऊपर बैठे क्या ये अच्छे दिन आने तो अच्छे दिन है? अच्छे दिन हमें नहीं उम्मीद है कि हमारे अच्छे दिन आएंगे, क्योंकि मोदी सरकार हमारा कुछ नहीं कर रही और हम वोट भी नहीं डालेंगे। अब इलेक्शन में हमारी जनता, जम्मू की जब बिगड़ गई ना जनता मोदी साहब, तो कोई इलेक्शन कोई कुछ नहीं होगा, यहाँ वोट देंगे अब हम नहीं वोट देंगे। चलिए मैं साफ तौर पर यही विजुअल्स थे, यही विजुअल्स हैं और यही हमारे वो डेली वेजर्स हैं जो दिन रात काम करते हैं, और दिन रात काम करने के बाद किस तरह से जो है उन्हें यहाँ पर किया जाता है, और ये तस्वीरें जो है हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये भाजपा कार्यालय के बाहर आकर जो है जमीन पर बैठे हैं, और गर्मी इतनी है, बूढ़े बूढ़े व्यक्ति, बूढ़ी बूढ़ी अगर हम कहें हमारी माता जी जो है वो बाहर बैठी है। आपकी क्या राय है इस सरकार के लिए? तो ऐसी और भी अपडेट्स ले, जम्मू न्यूज़ आशा खान से तलाब है।